दोस्तों, आज हम जंगलों की बात करें तो वो निरंतर कम होते जा रहे हैं और उसमें रहने वाले वन्य जीवों की संख्या भी कम होते जा रही है। एक समय में भेड़िया पूरे यूरेशिया, उत्तर अफ्रीका और उत्तर अमेरिका में पाए जाते थे, परंतु मानव की बढ़ती आबादी के कारण इनका रहने का स्थान कम हो गया है, जिससे भेड़ियों की संख्या सीमित सी हो गई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भेड़ियों से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातें करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। लेकिन इससे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्रेट एनवायरनमेंट पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन ऑन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे भेड़िए बहुत ही बहादुर जानवर है। इनकी वर्तमान में ज्ञात सबसे बड़ी प्रजाति भूरा भेड़िया है। ये भेड़िया 105 से 160 सेंटीमीटर लंबे और 80 से 85 सेंटीमीटर कंधे तक ऊंचे होते हैं। इनका वजन 52 किलोग्राम तक होता है और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकते हैं। दोस्तों, आपने कुत्तों को देखा जरूर होगा या फिर आपने अपने घरों के अंदर पाला होगा। भेड़िया भी कुत्तों के जैसे दिखने वाला एक जंगली जानवर है जो एक मांसाहारी जानवर है। दोस्तों, एक रिसर्च के दौरान ये पता चला है कि कुत्ते पहले भेड़िया ही थे। धीरे धीरे भेड़िया को प्राचीन समय में मानव ने पालना शुरू किया, जिससे कुत्तों की नई प्रजाति का आगमन हुआ। भेड़िए एक नर और एक मादा के परिवारों में रहते हैं, जिनमें उनके बच्चे भी पलते हैं। ये भी देखा गया है कि कभी कभी भेड़ियों के किसी परिवार के नर मादा किसी अन्य भेड़ियों के अनाथ बच्चों को भी शरण देकर उन्हें पालने लगते हैं। भेड़ियों का शिकार करने का तरीका सामाजिक होता है। ये अकेले शिकार नहीं करते, बल्कि झुंड बनाकर हिरन गाय जैसे चरने वाले जानवरों का शिकार करते हैं। भेड़िया अपने क्षेत्र में एक बेहतरीन शिकारी होते हैं, जिन्हें इंसानों और शेरों को छोड़कर और किसी से चुनौती नहीं होती। इन भेड़ियों को कई सारे दंत कथाओं में भी स्थान मिला है, जिनमें से कुछ में ये बहुत ही बहादुर जीवों के रूप में है तो कुछ में वैम्पायर को मारने वाले और कुछ में आदमखोर शैतानी दरिंदों के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और हाँ, आगे ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल ग्रेट एनवायरनमेंट को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन ऑन करें। धन्यवाद।